सबसे पहली खबर, जहां पर भोपाल में मुख्यमंत्री कार्यालय में लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने सेनानियों के देश के लिए योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा कि आप ही सेनानियों की वजह से हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र बन पाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस गठबंधन पर चोर चोर मोसेरे भाई का आरोप लगाया। सेनानी जिनके कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जीवित, आप उसके हकदार हो जिसके लिए परमात्मा का आशीर्वाद ऊपर से भगवान किसी देश को दे रहा तो सबसे पहले भारत को दे रहा है, जिनके कारण से ये कारागृह से आने के बाद भी लोकतंत्र का इतना उज्जवल इतिहास लिखा गया है, जिसमें आज यशस्वी प्रधानमंत्री अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में दुनिया हमारे लोकतंत्र को गौरवान्वित कर रही। रस्सी जल गई बट नहीं गया। हम सब जानते के पूरे तौर पे मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बात कर दी और आपातकाल को लेके दुनिया जानती कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस के लोगों का व्यवहार, इंदिरा गांधी का उस समय का आचरण। और जैसे मैंने प्रारंभ में बात छेड़ी कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार दुनिया में भारत को गौरवान्वित कर रही तीसरी बार, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका, इसमें आपका योगदान है सबसे बड़ा, जिन्होंने वो आपातकाल के काले काल के प्रश्नों को मिटा करके सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को पुनर्स्थापित कर दिया। हम केवल कल्पना करें कि वो 75 का आपातकाल कोई कारण से आपका संघर्ष नहीं होता तो कितने साल हुए थे आजाद हुए को देश को, 21 साल तो हुए ही थे। आज पाकिस्तान की हालत क्या है, पाकिस्तान की हमारी दोनों की एक जैसी हिस्ट्री है, दोनों अंग्रेजों के चंगुल से तो आजाद हुए लेकिन काल के प्रवाह में वहां लोकतंत्र की हत्या हो गई और जो जो भी हुआ है, और आज पाकिस्तान किस मोर्चे पे किस मुहाने पे आके खड़ा है, वहां के अंदर की आवाजें क्या आ रही है। लेकिन उसके उल्टे आपके इस संघर्ष के कारण से सारी की सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदली। दुनिया की सबसे अनुशासित फौज गर्व से आज हमारे साथ खड़ी है। जोरदार अभिनंदन करो आपने लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाले सभी सशस्त्र बलों के लिए।